हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास नाइन्थ का पोएम द स्नेक ट्रैंक पढ़ेंगे, जो w.w.e.Ross की लिखी हुई है। इस कविता में कवि जो है सांप के बारे में बता रहा है कि सभी सांप जो है खतरनाक नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ अस थिंक हम में से बहुत लोग सोचते हैं स्नेक्स आर फियरसम सिंबल्स ऑफ डेथ, जो सांप होते हैं वो मौत का प्रतीक होते हैं और डरावने होते हैं। बट द स्नेक इन हिज पोएम इज इट्स सेल्फ विक्टिम, यानी इस कविता में सांप स्वयं पीड़ित है। तो कवि क्या कहता है, द स्नेक ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम द परस्यूइंग स्टिक विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी। द स्नेक मैंने सांप, ट्राइंग मैंने कोशिश कर रहा टू स्केप मैंने बचने की, द परस्यूइंग स्टिक मैंने जो लोग उसका लाठी लेकर पीछा कर रहे हैं। विद सडन कर्विंग ऑफ थिन, वह अचानक अपने शरीर को मोड़ लेता है, लॉन्ग बॉडी मैंने अपने लंबे शरीर को, वह अपने लंबे शरीर को सिकोड़ कर छोटा कर लेता है। हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, देखो उसका आकार कितना सुंदर और आकर्षक है। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, वह लाठी के प्रहार से बच करके ग्लाइड्स मैंने फिसल कर वाटर अवे मैंने पानी में चला जाता है। ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर, उसे पानी में जाने दो। इन टू द रीड्स टू हाइड, वह नरकुल या सरकंडों के बीच में जाके छिप जाएगा विथआउट हर्ट, मैंने बगैर नुकसान के। स्मॉल एंड ग्रीन ही इज, वह हरा और छोटे रंग का है। हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रेन, और बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। एलोंग द सैंड ही ले, वह रेत के ऊपर पड़ा था। अंटिल अब्जॉर्ड, जब उसको लोगों ने देख लिया। एंड चेस्ट डवर, उसका पीछा करने लगे। एंड नाउ ही वेनिसेस इन द रिपल्स एमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, और वह अब हरे सरकंडों के बीच में, पतले सरकंडों के बीच में लहरों लहराता हुआ गायब हो जाता है। तो इस तरह कभी कहता है कि सांप जो होते हैं वो सभी खतरनाक नहीं होते हैं और हमें सांपों पर दया करनी चाहिए। ओके, थैंक यू।